वेलकम टू मुद्रा टेक इन्फोस। आज हम बात करेंगे एक डायनेमिक माइक्रोफोन के बारे में जो कि श्योर कंपनी की है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है SM58। आप सबको तो पता ही होगा कि एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर एंड लेजेंडरी फेमस माइक्रोफोन है। सिंगर लोगों की जो पहला पसंद है वो है श्योर SM58। चाहे आप बॉलीवुड की सेलिब्रिटी देख लीजिए, भजन सम्राट अनुप जलोटा जी को देख लीजिए, कोई भी बड़े बड़े जो स्टार सिंगर्स होते हैं उनका जो पहला पसंद है वो है श्योर SM58। तो मैंने भी ये श्योर SM58 ले लिया है। ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न की माइक्रोफोन है। इसका जो हाइलाइटेड फीचर है वो है नॉइज कैंसिलेशन। आप अगर इसको लाइव में यूज करते हैं, लाइव में आपको ये को बहुत ही अच्छा नॉइज कैंसिलेशन करके देता है, तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस है। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल बजट से, फिर भी इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या मिला है और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसका ऑडियो टेस्ट भी करेंगे और आपको सुनाएंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। ये श्योर SM58 आप देख पा रहे हैं, बहुत ही लेजेंडरी माइक्रोफोन है। इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या मिला है। देखिए जैसे कि ये एक लिमिटेड वारंटी का एक पेपर मिला है और ये आप देख पा रहे हैं ये यूजर गाइड मिला है, साथ में आपका ये जो माइक्रोफोन है ये बबल रैप में पैक हुआ है। बहुत ही शानदार माइक्रोफोन है ये, इसको रखते हैं साइड में। और क्या मिला है देखते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है और ये एक बैंड मिला है, पता नहीं ये किसके लिए है। और ये एक सूर का इसको लगाने के लिए शायद मिला है, इसको निकाल के लगाने के लिए। और ये पाउच मिला है इसको रखने के लिए, ठीक है इसको रखते हैं। तो माइक्रोफोन को देख लेते हैं और ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये XLR कनेक्टर के साथ आता है। इसको अभी ऑडियो टेस्ट करेंगे और इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो पता करेंगे। तो अभी हमने इसको अनबॉक्स कर लिया और इसमें देखा कि क्या क्या मिला, तो अभी करते हैं इसका ऑडियो टेस्ट। तो इसके लिए मैं एक XLR केबल लिया हूँ, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है ये XLR कंपैटिबल है इसमें। तो XLR को मैं इंसर्ट करता हूँ और मैं इसको एक ऑडियो मिक्सर में लगाया हूँ, क्योंकि मेरे पास डायनामिक टू मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए पिन नहीं है, वो मैं बाद में बनाऊँगा। उसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूँगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प होगा, हाउ टू कनेक्ट ए डायनामिक माइक टू मोबाइल। ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है, इसका जो कनेक्शन है वो XLR के थ्रू होता है। तो मैंने XLR केबल लगा दिया हूँ और इसका जो दूसरा एंड है वो मैं मेरा मिक्सर में लगा दिया हूँ, और वहाँ से जो आउटपुट आएगा वो मैं मोबाइल में दे दूँगा। इसका जो आउटपुट है वो अगर मैं मोबाइल में डायरेक्ट इनपुट करूँगा तो आपको अच्छा सुनाई देगा इसका क्वालिटी। अभी जो आप बात सुन रहे हैं वो मोबाइल का जो इंटरनल माइक है उससे सुन रहे हैं, तो आपको आवाज़ इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको अभी जो मिक्सर से जो आउटपुट आया है उसको मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, क्योंकि मैं ओपन कैमरा में शूट कर रहा हूँ। ओपन कैमरा में एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने वहाँ से एक केबल के द्वारा इसमें इनपुट करूँगा, तो आपको आवाज़ अच्छी तरीके से सुनाई देगा। तो इसके बाद जो मैं बात करूँगा इससे बात करूँगा ताकि आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें इतना अच्छा क्वालिटी आता है। चलिए अभी इसको कनेक्ट तो कर दिया हूँ, अभी मैं देखता हूँ थोड़ा जाके उस साइड जाके थोड़ा देखता हूँ कि इसमें आवाज़ आता है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगा।
अभी सही तरीके से साउंड आ रहा है, उसमें जो ऑडियो का जो ग्राफ है वो सही दिखा रहा है। अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो श्योर की SM58 की सुन रहे हैं। मैंने इसका कुछ भी इक्वलाइजेशन नहीं किया है मिक्सर में, ओनली इसको इनपुट किया हूँ और वॉल्यूम दिया हूँ। और आप जो साउंड अभी सुन रहे हैं ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साउंड है। और होप आपको पता चल गया होगा कि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो कितना अच्छा है और इसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो कितना अच्छा आता है। हालांकि यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में पूजा हो रहा है, मंदिर का जो घंटा है वो बज रहा है, उसका साउंड आपको आ रहा है कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है और इसमें आप देख लीजिए हैंडलिंग में क्या साउंड आता है, जैसे कि मैं यहाँ इसको हैंडल करता हूँ तो इसमें कोई ब्लफ आता है क्या वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। और तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत अच्छा है और ये एक यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन है, तो मैं अगर यहाँ भी लेता हूँ तो शायद आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, मैं यहाँ भी लेता हूँ तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, मैं अगर डायरेक्शनल पे ले आता हूँ तो भी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि एक यूनिडायरेक्शनल कार्डियोइड पोलर पैटर्न की माइक्रोफोन है। थोड़ा इसका जो वेट है थोड़ा हैवी है क्योंकि इसका जो कैटरेज है वो थोड़ा बड़ा है और इसमें XLR केबल लगता है, इसमें कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है और इसमें स्विच नहीं आता है कोई भी, क्योंकि मैंने बिना स्विच का लिया है। इस माइक्रोफोन में स्विच नहीं आता है लेकिन इसका स्विच के साथ भी माइक्रोफोन है, केबल के साथ भी माइक्रोफोन मिलता है, तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। मैं अभी जो इसको लिया हूँ ये विथआउट स्विच है और इसका जो मॉडल है वो श्योर SM58LC है, ठीक है। इसका जो बेस्ट बाई लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये सूर SM58 जो माइक्रोफोन है इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो में एक कमेंट कर देना, एक लाइक भी कर देना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुद्रा टेक इन्फोस के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।